तो भाई वल्कन की टेस्ट राइड ले रहे हैं। चेक दिस आउट भाई, तो ये बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, एयर फिल्टर इसका क्लीन हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। सो गाइस, बाइक की अपनी सर्विस ना बड़े टाइम से ड्यू चल रही है। सो 4-5 महीने ऊपर हो गए बाइक की सर्विस करवानी थी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू सम रीज़न, और लाइक कुछ ना कुछ हो ही रहा था लाइफ में। सो उस वजह से बाइक की सर्विस ही नहीं करवाने का टाइम नहीं मिला। सो अभी बाइक की थर्ड सर्विस करवानी है। सो थर्ड सर्विस करवाने जा रहे हैं। अपनी बाइक लगभग अराउंड 7,500 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, इतना मेरे को आइडिया गैस मार रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरे को बड़ा टाइम हो गया है बाइक को हाथ लगाए हुए। सो अभी जा रहे हैं सीधा कावासाकी के शोरूम, तो बाइक की थर्ड सर्विस कराते हैं। इस वीडियो में फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि थर्ड सर्विस में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। सो एक तो यार जो अपना AG वाला हेलमेट है ना, तो भाई मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसका मेरे को बिल्कुल भी ना मज़ा नहीं आया ये हेलमेट पहन के। इससे पहले मैं MT का यूज़ कर रहा था, तो वो बड़ा अमेजिंग था उसकी भाई, बट वो मैंने 3-4 बार यूज़ किया था। उसके फिर 3-4 बार यूज़ करने के बाद ना मैंने ये ले लिया था। तो इसमें क्या कमी है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो भाई ये हेलमेट की ना क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो क्वालिटी वाइज इज़ अमेजिंग, लाइक 22,000 के आसपास का ये पड़ता है। तो बड़ा क्वालिटी वाइज तो सुपर अमेजिंग हेलमेट है, बट इसमें मेरे को जो कमी क्या लगी वो है इसकी पैडिंग की। इसकी पैडिंग बहुत ख़राब है, मैंने अराउंड 6-7 महीने इसको यूज़ किया होगा, 7 महीने में इसकी पैडिंग इतनी लूज़ हो गई है। मैं बाइक चलाता हूँ ना तो मेरे आंखों के आगे आ जाता भाई, ये इतना लूज़ हो चुका है इसकी पैडिंग 6 महीने के अंदर अंदर ही, 6-7 महीने के अंदर अंदर ही। सो विच इज़ नॉट वर्थ इट। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि MT वाला हेलमेट है जो है ना, जो MT का टॉप एंड आता है 14,500 का या 15,000 के आसपास, वो हेलमेट बड़ा अमेजिंग है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैं अपने चैनल का नेम चेंज करने वाला हूँ। सो जो भी नाम मैंने सोचा है वो मैं आपको आगे सीधा बाइक पे बताता हूँ। सो बने रहो वीडियो में। सो गाइस, बाइक का ना बुरा हाल हो गया बिल्कुल, देखो बाइक की हालत देखो। आई हेट दिस रेनी वेदर यार, पूरा पूरा हाल हो चुका है। चेन का हाल देखो यार, चेन की हालत कितनी बुरी हो गई है। तो इसका सर्विस का टाइम आ गया, बट अब मैं सर्विस के लिए निकल रहा हूँ, तो अभी फिर से हल्की फुल्की बारिश हो गई है, तो आते आते यार बाइक की फिर से बैंड बज जाएगी। ये तो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो भाई हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है, मैं तो इसी में निकल गया कि बट सर्विस करवानी, क्योंकि 4-5 महीने ऊपर हो गए हैं, तो ज़्यादा मैं लंबी राइड भी नहीं कर पा रहा हूँ। चेन लूपिंग भी क्लीनिंग भी करनी है। तो लास्ट टाइम अभी जब मैं पराठे खाने गया था तो बड़ी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी चेन से चलने की ना, तो बहुत टाइम हो गया मैंने उसको, 600-700 किलोमीटर हो गए हैं, तो मैंने चेन लूप नहीं किया है। और बारिश की वजह से मिट्टी विट्टी ना बहुत ज़्यादा घुस गई है चेन के अंदर भी, तो दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम ना बारिश वाला सीज़न में तो भाई जितना जल्दी आप चेन वगैरह साफ़ कर लो तो ज़्यादा ही बेटर रहता है। सो वही चैनल का नेम चेंज करने का सोचा है। सो अभी इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी सो उसमें चैनल का नेम चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शंस मैंने सोचे हैं, जो भाई सोचा है कि मैं चैनल का नाम ना अब रखने वाला हूँ अपने ही नाम से। सो आइदर या तो मनोज शौकीन रखूँगा और या शौकीन मनोज रखूँगा, इन दोनों में से जो अवेलेबल नहीं होगा वो वाला चैनल का नेम पिक कर लेंगे और वो वाला चैनल का नेम रखेंगे। तो बड़े टाइम से 1 साल से शौकीन बाइकर चला रहे हैं, तो इसको अब चेंज करेंगे भाई। तो कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, मनोज शौकीन या शौकीन मनोज, दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चा पार्टी कुछ हो गया, बच्चा पार्टी। अरे बस कर भाई, बस कर भाई, क्या कह रहे हो? 900 नहीं, 1000, 1000। तो भाई ये वाली अपनी वाली दुकान जो खाली की थी तब तक चढ़ी नहीं, इसको इतने महीने हो गए, देखो ये खाली रहेगा बड़े टाइम तक लग रहा है। देखते हैं अगर कोई नया स्टॉक आया है क्या नहीं आया, सारा चेक करते हैं एक बार। चेक दिस आउट भाई, नेक्स्ट टारगेट अब यही है, 230 cc, 150 kg अराउंड इसका वेट है। बड़ा भाई मोटर क्रॉस करने में मज़ा आ रहा है इसमें, अमेजिंग यार, देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, सुपर लाइट और सुपर पावरफुल, पॉकेट बना देती है भाई मिट्टी में तो ये उड़ती है, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। तो देखते हैं इसका प्राइस, अराउंड 5 लाख, 5.5 लाख इसका प्राइस पड़ रहा है इसका। चलो भाई लग गए।
तो ये बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, एयर फिल्टर इसका क्लीन हो चुका है। सो अब इसमें डालेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल में सोच रहा हूँ इस बार प्रीमियम वाला डलवाने की। तो दिखाता हूँ आपको कौन से वाला। तो देखो भाई, दो तरीके के ऑयल आते हैं। एक तो ये बेसिक वाला, ये 800 रुपये लीटर होता है। सो ये है प्रीमियम वाला। तो ये 1300 रुपये लीटर है, 450 कुछ का डिफरेंस आता है दोनों में। तो इस बार ये प्रीमियम वाला डलवाने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि लाइक तुम अगर ये वाला डलवा दो तो एक साल तक सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अच्छा लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। उसमें तुम्हें 6-6 महीने में सर्विस करवानी पड़ती है, तो की दिक्कत होती है। ऑयल का हाल देखो भाई, पूरा काला हो चुका है, बहुत ज़्यादा काला हो चुका है। और तो जबकि बाइक चली नहीं है मेरी इस बार ना, बहुत कम बाइक चली है, दिखने में ज़्यादा काला। हाँ अच्छा बाइक है, कंफर्ट है, बड़ा भागा बैठ के, क्रूजर वाली फील आ रही है बिल्कुल। हाँ। वेट तो लग रहा है भाई बाइक में, बहुत वेट लग रहा है। आप देखना, आप जब आओगे ना इसे मैं बैठ के लाऊंगा, देखना इधर से लुक भी बड़ा डिफरेंट लगता देखने में। सो भाई वल्कन की टेस्ट राइड ले रहे हैं। सो बाइक का प्राइस है 8 लाख समथिंग। बट भाई बड़ी डिफरेंट फील आ रही है। आई एम यूज्ड टू राइडिंग सुपर बाइक्स, उसके बाद मैं इतनी लो बाइक राइड कर रहा हूँ, क्रूजर बाइक, बहुत बहुत अजीब लग रहा है। बट भाई बाइक में ना वेट बहुत ज़्यादा है। ओ भाई बहुत अजीब लग रही है, बहुत अजीब। बट पावर के मामले में कम नहीं है यार। सो ये 61 BHP प्रोड्यूस करती है, 65 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है, बट बहुत कंफर्टेबल चल रही है। टूरिंग करने में मज़ा आ जाएगा इसमें, मैं सही बता रहा हूँ। वैसे तो बाइक तो है यार टूरिंग करने लायक। ब्रेकिंग को ज़्यादा खास नहीं लग रही है, बट भाई अमेजिंग, ऐसे लग रहा है मैं क्या चला रहा हूँ। पावर चेक करते हैं इसकी। टर्न भी बहुत बढ़िया ले रही है, बहुत बढ़िया। ड्यू टू द वेट ऑफ द बाइक, बाइक रोड पे चिपक के चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। बट आई डोंट थिंक कोई 8 लाख रुपये खर्च करेगा इस पर। 8 लाख रुपये तो वर्थ इट नहीं लगती भाई, 8.5 लाख, 8 लाख भी नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फील आ गई भाई, फील। ज़्यादा लंबी टेस्ट लेने का मेरा मन नहीं है, बट फील आ गई। मेरे को सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है भाई हैंडलिंग में, हैंडलिंग में बहुत प्यारी लग रही है मेरे को, और हाथ इतने रिलैक्स फील हो रहे हैं इसको चलाते हुए कि ज़्यादा मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया स्मूथ बाइक है। सो अभी इस पर 30,000 का डिस्काउंट चल रहा है, अदरवाइज 8.5 लाख की इसकी MRP है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा है। भाई देखो कितनी छोटी है, कितनी लो है, मेरे हेड के हिसाब से भाई बहुत बढ़िया चल रही थी, मज़ा आया था चलाने में। तो भाई सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो अपना बिल आ गया, तो मैं आपको बिल दिखाता हूँ कि 10 आवर की थर्ड सर्विस में कितनी अमाउंट लगती है। तो ये रहा अपना बिल। तो इसमें कंज्यूमेबल्स, लेबर चार्जेस, तो इसमें लेबर चार्जेस के जो प्राइस हैं वो है 4,442 रुपीज़, एंड जो अपना लेबर चार्जेस हैं वो है 6,730 रुपीज़। तो ओवरऑल जो टोटल अमाउंट जो अपनी 10 आवर की थर्ड सर्विस की आई है वो 11,153 रुपीज़, जो कि सेकेंड सर्विस से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने इसका थोड़ा प्रीमियम ऑयल भी डलवा लिया था, मैं वीडियो डाल पाए तो उससे 1,000-1,500 मेरे हिसाब से 2,000 का फर्क तो उसी से आ गया, और थोड़े से लेबर चार्जेस बढ़ जाते हैं थर्ड सर्विस। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल लगी हो भाई, कि इंडिया में 10 आवर के सर्विस चार्जेस कितने होते हैं। बाकी अब हो रही है बाहर बारिश, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार सर्विस अभी हुई है, बाइक को लेके कैसे जाऊँ, ये तो बुरा हाल हो गया है, बारिश रुक ही नहीं रही है, देखते हैं। तो कैसे करते हैं, GoPro को भाई अंदर रखेंगे, GoPro में पानी वानी ना चला जाए, ख़राब वराब ना हो जाए, उसका अलग फिर इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं उससे। तो कैमरा को अंदर पैक करते हैं अपना, और इस ब्लॉग को ना यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।